किसानी अंदोलन की कवरेज कर रहे एक निजी चैनल दे पत्रकार दी गड्डी ते एक अनपछाते व्यक्ति वालों हमला किया गया ते गड्डी लेके फरार हो गया। इस पूरी घटना की सूचना मिलदिया ही गृह मंत्री ने इस ते एक्शन लेंदिया जांच दे आदेश दिते ने। गृह मंत्री ने DSP दी अगुवाई विच एक कमेटी गठित करन दे आदेश दिते ने। दस दईए कि हमला 1 फरवरी दी रात नूं किया गया जिस समय पत्रकार किसानां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करन तों बाद वापिस परत रहा सी। इस समय उसके नाल उसका कैमरामैन अते ड्राइवर भी मौजूद सी। हमलावर ने गड्डी दे ड्राइवर कोलों गड्डी दी चाबी खोई अते गड्डी लेके फरार हो गया। गड्डी विच पत्रकार दा फोन कैमरा आदि समान मौजूद सी। सर हमारी गाड़ी रोकी गई, हमारे बंदे जो है उनको उतारा, उसके बाद में फिर मैं आया पीछे से तो उनके बाद में चाबी चुक ली और फोन वोन सब ले लिया। कैसे थे देखने में बंदे? में लड़का सा ही है सर, यंग उम्र का है, 25 साल का है। क्या कह रहे थे वो? उनने चाबी ली, मैंने कहा अभी आइडेंटिटी करवा देते हैं, हम आपको प्रेस से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही बात हुई। उसके बाद में बंदे फिर बाहर आके गायब हो गए। जदों इस बाबत पत्रकार नाल गलबात की गई तो उसने दस्या कि वो खाना खाने लई रसोई ढाबे कोल रुके सी, जिस दौरान अचानक एक व्यक्ति उन्हां दे ड्राइवर तो गड्डी खो के फरार हो गया। जिस तरह से बदतमीजी वगैरह की गई, जब मैंने उनसे पूछना कोशिश करी, उनसे पूछने की क्या प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे गलत गालियां वगैरह भी उन्होंने दी। मैं बाहर आके उनसे बातचीत करने लगा तो उन्होंने मुझे और मेरे कैमरामैन भी बाहर आया उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साथ वाले टेंट में कुछ जो किसान जथेबंदी वो बैठे हुए थे वो वहां पर आए। उन्होंने पूछा तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हो, वो हमें साथ में अंदर टेंट में लेके गए, हमें कहा कि आप वेरीफाई कराओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो। हमने उनको बताया कि हम न्यूज़ 18 से पत्रकार हैं, मैंने अपना आई कार्ड भी दिखाया। उतनी देर में जब हमारा ड्राइवर, हमने बोला कि हमारे, उन्होंने कहा ठीक है हमने आपको वेरीफाई कर लिया है। उतनी देर में जब ड्राइवर हमारा आया तो हमने बोला चलो हम निकलते हैं, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि कुछ लोग गाड़ी की चाबी और उसका मोबाइल लेकर और कहा कि तुम्हारे ड्राइवर अपना, तुम्हारा जो रिपोर्टर है और कैमरामैन है वहाँ पर बैठे हैं, हम उनके पास लेके चलते हैं। ड्राइवर को वहाँ से मोबाइल और उसकी गाड़ी की चाबी छीनकर वो गाड़ी लेके वहाँ से फरार हो। हालांकि पूरी हमारी गाड़ी में हमारी पूरी किट, मेरा मोबाइल, ड्राइवर का मोबाइल, हमारा लाइव व्यू, हमारी बैटरी, जितना भी जो सामान होता है, हमारी पूरी किट होती है वो उसी में है। कितने बजे की घटना? ये करीब 9:15 बजे के करीब ये घटना है। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची, SHO आए हैं, लोकेशन वगैरह, CCTV, सबसे अहम बात इसमें ये है कि CCTV जो रसोई ढाबे में लगी है वो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पे वो दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह से हमें रोकने की कोशिश करी, किस तरह से उन्होंने हमें धक्का मुक्की करी। फिलहाल इस सारी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है, पर जदों लोगों तक सच की आवाज पहुंचाने वाले पत्रकारों नाल अजिही घटना वापरती है तो यह अपने आप विच प्रशासन ते सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वर्ल्ड पंजाबी TV।